दोस्तों क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत एक अनुसंधान केंद्र है आपका स्वागत है दोस्तों मैं डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में पदस्थापित हूँ और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी जो शुरुआती दिनों में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ये सिट्रस रिसर्च सेंटर के रूप में प्रख्यात था बाद में इसे फल अनुसंधान केंद्र बना दिया गया और अब यह क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित है दोस्तों चूंकि कालांतर में इसके मैंडेट भी बदलते चले गए और इसकी कार्य क्षेत्र भी बढ़ता चला गया फिर भी 2007 में हम लोगों ने सोचा कि चूंकि संतरा और इससे रिलेटेड जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे लगभग समाप्ति की ओर था नहीं के बराबर था 2007 में हम लोगों ने प्लान किया और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से कुछ सपोर्ट भी हमें मिला और हमने यहाँ पे सिट्रस को पुनः रिवाइव करने का प्रयास किया और इसके पश्चात ही आज आप 2020 में हैं और आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में किस तरह से ये संतरे के विभिन्न जो प्रजातियां हैं उसको किस तरह से इस पे मेंटेन किया गया है ये आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने जैसे लिखा है चिया की झारखंड बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची के अंतर्गत आता है ये मेंटेनेंस ऑफ सिट्रस जेनोटाइप एड चिया की यानी जो भी जेनोटाइप हैं उसके प्रभेद हैं सिट्रस के उसको मेंटेन किया गया है जैसे यहाँ पे हम यहाँ जिस पेड़ के पास खड़े हैं बोर्ड लगा है दोस्तों आप देखिए ये किन्नो है किन्नो आप सभी जानते हैं बहुत बार लोग माल्टा कह के भी बाजार में बेच देते हैं लेकिन ये माल्टा नहीं है ये किन्नौ है और किन्नो एक संतरा का ही एक टाइप है टाइट स्किन संतरा है इसको उन्नीस में कैलिफोर्निया सिट्रस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था और आज ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट जहां भी सिट्रस होता है किन्नौ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है हमारे देश में भी पंजाब हरियाणा इस इलाके में काफ़ी अच्छा करता है आप यहां देख सकते हैं कि हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू जो झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है कितना बेहतरीन किन्नों के फ्रूटिंग है जरा मैं क्लोज व्यू आप दोस्तों आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ आप देख सकते हैं किस तरह से किन्नो है और ये इसमें से हार्वेस्टिंग भी काफ़ी हो चुका है क्योंकि किन्नो काफ़ी पहले मैं चोट कर गया था करीब एक महीना पहले एक पेड़ को मैंने अभी इसे बचा के रखा है ताकि मैं आप सभी को दिखा सकूं आप ये देख सकते हैं दोस्तों अब इसके बाद ठीक मैं आपको इसके विपरीत दूसरा रोड के उस पार में ले चलता हूँ जिसमें कि दार्जिलिंग है देखिए दार्जिलिंग मंडारिन है ये दार्जिलिंग संतरा है देखिए इसका बोर्ड यहाँ पे लगा है दोस्तों अब देखिए दार्जिलिंग की भी फ्रूटिंग कितनी अच्छी हुई है कितनी बेहतरीन है आप देख सकते हैं किस तरह से दार्जिलिंग का ये मेरा प्लॉट है और कितनी बेहतरीन इसमें संतरे लगे हुए हैं अब देखिए ये दार्जिलिंग संतरा है देख सकते हैं आप इसको जरा मैं क्लोज व्यू देखूँ ये दार्जिलिंग संतरा है काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यह दार्जिलिंग है और यहाँ पे हमारे यहाँ दार्जिलिंग का ये दो बड़े प्लॉट्स में लगे हुए हैं ये देखिए दोस्तों दार्जिलिंग का ये क्लोज व्यू बेहतरीन काफ़ी मीठा काफ़ी जूसी है दार्जिलिंग देखिए कितने साइज हैं कितने बेहतरीन फ्रूट्स हैं आप देख सकते हैं दार्जिलिंग का देख सकते हैं आप देखिए दोस्तों काफ़ी एक एक गुच्छे में कितने संतरे लगे हैं दार्जिलिंग के आप देख सकते हैं देखिए दार्जिलिंग है दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक और संतरे ग्रुप में एक और आता है कुर्ग संतरा कुर्ग मंडारिन आप जानते हैं कुर्ग दक्षिण भारत में है और कुर्ग से भी यहाँ पे लाया गया था 2007 में और वहां से भी हम लोगों ने ला के यहाँ पर लगाया था ये देखिए ये, ये बोर्ड लगा है कुर्ग का ये कुर्ग मंडारिन है अब देखिए इसकी फ्रूटिंग आप देखिए कितनी बेहतरीन इसका साइज और बेहतर है ऐसे दार्जिलिंग में भी इसी के साइज का है नागपुर का फ्रूट का साइज थोड़ा छोटा है दोस्तों ये देखिए मैं कुर्ग को और दिखाता हूँ क्लोज व्यू जरा आप कुर का देख ले ये देख लीजिए किस तरह से है आप देखिए ये बड़ा और चार्ट है देखिए देखिए दोस्तों ये कुर्ग का ये कुर्ग की फ्रूटिंग आप देख सकते हैं देखिए ये कुर्ग मंडा है बेहतरीन कुर्ग मिंडा है दोस्तों ये दार्जिलिंग का प्लॉट पुनः एक बार मैं आपको दिखा दूं फिर मैं आपको लिए चलता हूं आपको मैं लिए चलता हूं देखिए ग्रे फ्रूट एक होता है ग्रे फ्रूट दोस्तों ये डांभा आम लोकल भाषा हम लोग बोलते हैं ये डांभा नहीं है ग्रो फ्रूट है इसका जूस बहुत न्यूट्रिशियस होता है और इसके जूस आप अगर गूगल से भी सर्च करेंगे तो ये ग्रे फ्रूट के बारे में आपको मिलेगा ये द सिट्रस फ्रूट जो भी संतरे का ग्रुप का जो भी फल है उसमें ये ग्रे फ्रूट का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन फ्रूटिंग है ये ग्रे फ्रूट है इसके तीन प्रभेद हमारे पास हैं मार्सलेस डंकन और सहारनपुर ये तीनों बहुत अच्छे परफॉर्म यहाँ पे करते हैं तीनों का हमने यहाँ प्लांटेशन किया है 2007 में काफी अच्छी फ्रूटिंग है अब और आप देख लीजिए ये कुर्गमंडा को ही मैं दिखा रहा हूँ पुनः कुरगमंडा कितनी बेहतरीन फ्रूटिंग है आप देख सकते हैं क्लोज व्यू आप देख लीजिए कुरगमंडा का देखिए कितने किस तरह से स्टैकिंग हमें देना पड़ता है देखिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ नागपुर संतरा का थोड़ा सा नागपुर संतरा का मैंने हार्वेस्टिंग काफ़ी कर लिया है अब नागपुर संतरा नहीं के बराबर रह गया है फिर भी मैं आपको ले चलूंगा नागपुर का मैं व्यू दिखाऊंगा नागपुर संतरा भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा होता है चलिए यह नागपुर का बोर्ड लगा है नागपुर मंडारिन का इधर से मैंने हार्वेस्टिंग करा लिया है और मैं अब देखिए मैं एक पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से मेरा ये कुर्गमंडार इनका चलिए मैं और चार्ट के बीच में चलता हूं दोस्तों और देखें ये ये सिर्फ आय का जरिया नहीं है ये एक फैसिनेटिंग है एक इतने लोगों को ये लाइकिंग हो रही है इतने लोग विजिट कर रहे हैं हमारे इस और चार्ट को क्योंकि संतरा के लिए हमारा चिया की क्षेत्रीय अनुसंधान है चिया की पहले ही से विख्यात था बीच में हालात जो भी थे कुछ इसकी स्थिति ठीक नहीं थी हम लोगों ने पुनः इसे रिवाइव करने का प्रयास किया और दोस्तों अब ये रिवाइव हो चुका है इस बार की बेहतरीन फ्रूटिंग बहुत ही लोगों को आकर्षित कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में पौधे की मोटिलिटी होती है क्योंकि अब ये तेरह साल के प्लांट्स हो चुके हैं बहुत लाइफ नहीं है पंद्रह से बीस साल के बीच डिक्लाइन करने लगता है सिट्रस ये देखिए अभी हम कुर्ग के ही बगान में हैं ये कुर्ग का ही है कुर्ग है नजदीक से आप देख सकते हैं कुर्ग मंडार देखिए कितनी बेहतरीन कितना छोटा पेड़ है देख लीजिए छोटा सा पौधा लेकिन इसका उत्पादन क्षमता क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स दिस मेक्स या दिस सेंटर यह हमारा जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चिया है आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इसका उत्पादन हुआ है ये यह देखिए यहाँ तक अब मैं आपको थोड़ा क्लोज व्यू दिखाना चाहूँगा जो हमारा नागपुर संतरा है उसका नागपुर संतरा को मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से नागपुर में भी अच्छी फ्रूटिंग हुई है यहाँ तक कुर्ग है अब मैं ले चलता हूँ नागपुर के पास आपको ये नागपुर संतरा है क्योंकि उधर का जो सारे बागार से हमने उसकी तोड़ाई कर ली है हार्वेस्टिंग हो चुकी है वहाँ ये नागपुर है यह नागपुर संतरा का है आप देख सकते हैं यह नागपुर संतरा है काफ़ी मशहूर जो आप सभी लोग आमतौर पर संतरा के लिए नागपुर को जानते हैं तो यही नागपुर की वेराइटी है नागपुर संतरा है आप इसे देख सकते हैं यही नागपुर संतरा है टिपिकल नागपुर संतरा ये अब देख रहे हैं नागपुर संतरा है ये और मैं एक फल जिसका मैं अभी चर्चा कर रहा था ग्रेप फ्रूट का जो ग्रेप फ्रूट है जिसका जूस काफी लाभप्रद होता है और लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं ये ग्रे फ्रूट है देखिए ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी का ये मेरा बोर्ड लगा हुआ है जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है देखिए नेम ऑफ फ्रूट है ग्रे फ्रूट जो सिट्रस पैराडि जिसे हम कहते हैं मार्सिडलेस वेराइटी है इसमें तीन प्रभेद हमारे पास है देखिये कितनी बेहतरीन इसकी फ्रूटिंग है और कितना अट्रैक्टिव है जस्ट यू सी द कलर ऑफ फ्रूट्स आप क्लोज व्यू में देखें थोड़ा सेड पे मैं दिखाऊं तो ज़्यादा इसका आया अभी धूप के वजह से थोड़ा इसका ये आ रहा है अब देखिए ये देखिए फ्रूट्स का देखिए क्या बेहतरीन है ये देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्रूटिंग काफी बड़ा साइज ये होता है संतरे से दुगुने तिगुने साइज का होता है देख सकते हैं ये ग्रे फ्रूट है इसका जूस बहुत ही लाफरद है अब देखिए सारे जितने पेड़ में लगे हैं काफी फ्रूटिंग है इसमें से कुछ हार्वेस्टिंग हमने करा लिया है अब देख सकते हैं इधर जितने भी ट्री हैं इसमें ये अंदर की ओर फलता है बाहर से इसलिए इसका लुक नहीं आता है आप अंदर की ओर जाएंगे तब अब इसकी फ्रूटिंग देखेंगे काफी बहुत देख सकते हैं ऐसे नीचे नीचे तक अब ड्रॉपिंग भी होने शुरू हो गए हैं क्योंकि मेचोर कर चुका है ये ठीक है दोस्तों आगे फिर मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा इस तरह की और जानकारी जो कि हॉर्टिकल्चर उद्यान के क्षेत्र में जो भी हम लोगों ने काम किया है और जिस तरह से हम लोगों का प्रयास है कि कैसे झारखंड प्रदेश को एक उद्यान प्रदेश में बदला जाए इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किया है उसके बारे में आपको बीच बीच में मैं बताता रहूँगा धन्यवाद